अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली क्या हाल चाल, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुमान में रखे। मेरी वीडियो का एंड तक लाजमी देखा करें, लाइक किया करें और अच्छे से कमेंट किया करें। अच्छा, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, कोई डिज़ाइन समझ ना आ रहा, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज पर पूछ सकती हूँ, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। ये देखिए, ये 9 से 10 साल की बच्चियों के लिए फ़्रॉक मैंने तैयार की है। ये बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अक्सर जो मेरी बहनें हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इतनी बाजारी रेडीमेड ड्रेसेस नहीं इतना अफोर्ड कर सकती या नहीं बनाना चाहती, तो घर में होममेड बनाना चाहती हैं, तो वो बहुत ईजीली बना सकती हैं। ये मैंने लैस ली है, ये तकरीबन 20 या 25 रुपये मीटर मिल जाती है, उस हिसाब से आप ले सकती हैं। ये मैंने ली थी 3 से 4 गज़, और ये ऐसे मैंने कट पीस में से कपड़ा लिया था जिसके ऊपर नीचे ऐसे मोटिव बना हुआ था, और मैंने इसको बॉक्स प्लेट डाले हैं इसमें, ये देखें। और ऊपर मैंने इसके बना दी योक, योक के ऊपर मैंने जो नीचे किसी मैंने बनाई था नीचे घेर था, उसी मैंने कपड़े की बना दी, ऊपर बना के ऊपर ऊपर मोती मोटिव लगा दिए, छोटे छोटे मोती लगा दिए 2 कलरों में। और स्लीव जो थे वो मैंने हाफ रखे हैं, उसके आगे मैंने कपड़ा अटैच कर दिया। ये देखिए कितनी सिंपल और कितनी डिसेंट सी लग रही, जैसे रेडीमेड लिया होता है फ्रॉक। उसके बाद ये मैंने ये जो होती है पठानी डोरी हम कहते हैं, तकरीबन ये बाहर से मिल जाती है। अगर आप आपको नहीं पता कहाँ से मिलती है, तो आप शॉप जहाँ से लैसे मिल जाती हैं वहाँ से बाय कर सकती हैं। ये देखें, ये मैंने ऐसे बनाया है, दरमियान में से मैंने फासला रखा है, तकरीबन 3 इंच का फासला रख के फिर मैंने वैसे लेसेस लगा दी हैं। ये जो मैंने दरमियान में लेसेस लगाए हैं मोतियों के लिए, मैंने यहाँ से कट रखा था। कट रखने के बाद ये देखें, मैंने इसके अंदर मोती लगा दिए, अंदर लैस मैंने लगाई पठानी डोरी, उसके बाद भी मैंने अंदर मोती लगा दिए, ऐसे चौरस करके मैंने लैस लगाई है इसके ऊपर। ये मैंने इसके ट्राउजर पे 3 पट्टियां बना दी ऐसे। उसके बाद ये देखें, ये भी सिंपल कपड़ा घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने इसकी एक ए लाइन फ्रॉक बना दी। ऊपर कपड़े के ऊपर मैंने 3-4 रंग के धागे के साथ धागे को डबल करके फीकी में भर के उसकी सिलाइयाँ लगा दी, तो ऊपर मैंने क्या कहते हैं इसके दरमियान में शीशे लगा दिए। बाजुओं पे ये देखे स्लीव्स पे मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, पट्टी लगा दी जो मैंने समोसे बना के लगाए थे, नीचे मैंने इसको डबल करके ऐसे पट्टी लगा दी इसकी। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बनाए हुए जो आप बिल्कुल ईजीली कैरी कर सकती हैं। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहती हैं मेरी कोई भी बहन, तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकती हैं। ये देखें, दूसरे ड्रेस पे मैंने कलर चेंज किया था, सेम मैंने उसी को भी वैसे इसी मेथड से बनाया है। अगर इसके अंदर आप मिरर लगाना चाहते हैं या कुछ फ्लावर्स बना के लगाना चाहती हैं जो दरमियान में गैप छोड़ा, तो वो भी लगा सकती हैं। ये देखिए, ये येलो फ्रॉक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये लेस मिल जाती है अक्सर शॉप से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, बाज़ार से लेके आप इसे उस पर लगा सकती हैं, लेकिन इस पर लगाने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। मैंने जब स्टार्ट किया था इसको लगाना, तो इसको बहुत लैस कट्टी हुई जा रही थी, तो मैंने नीचे जो है ना लेडीज़ बुकरम वो अटैच कर लिया था, तो उसके बाद जब मैंने लैस लगाना स्टार्ट की थी तो बहुत ईजीली लग गई थी। ये देखिए, ऊपर मैंने ज़्यादा योक बना ली, योक बनाने के बाद मैंने ऊपर ये लैस लगा दी साइडों पर 2। ये देखिए, ये शटर लैस है चौड़ी वाली। उसके बाद ये देखो बाजुओं पर मैंने ऐसे डिज़ाइनिंग की है, पहले गोल अलहदा से ऐसे कपड़ा अटैच किया उसके अंदर, उसके बाद उसके साइडों पे कर दिया, येलो कपड़ा अटैच कर दिया मैंने डॉट्स वाला। ऊपर मैंने नेट के ऊपर साइडों पे सारे लगा के क्या कहते हैं उसको लैस लगा के शटर, तो उसको चुंट डाल के मैंने छोटे छोटे जो धागा वाले चुंट, हम धागे को खींच के चुंट डालते हैं वो वाले चुंट डाले हैं, देखें ये बिल्कुल होती है। कि मैंने जो इसकी कैपरी बनाई वो बिल्कुल सिंपल थी, वाइट कलर की मैंने इसके साथ कैपरी बनाई। दूसरी फ्रॉक पे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन इसका चेंज कर दिया, जो मैंने नीचे दामन पे लैस लगाई थी वही मैंने इसके यहाँ पे लगाई है, ऊपर योक पे लगा दी मैंने लैस। और जो मैंने इसकी फ्रिल बना के लगाई है वो मैंने इस तरह से फ्रिल बनाई है कि वो जो कपड़ा था वो एक्स्ट्रा था मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैंने उसी की फ्रिल बना दी इसकी। बाजुओं के आगे मैंने नेट लगा दी पैच की तरह बना के, ये देखिए बैक गला मैंने ऐसे बनाया है, और पीछे थोड़ी सी वो डोरी सी लगा के पीछे बटन लगा दिया मैंने। ये देखें, जब लैस भी लगाई है तो मैंने कपड़े को पहले फोल्ड किया, उसके बाद मैंने उसकी फ्रिल बनाई है।
अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं। आप इजीली अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की ऐसे फ्रॉक्स बना सकती हैं। ये मैंने सिंपल प्लेट्स डाले हैं इसके ऊपर। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में याद।